आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस टाइप्स पार्ट टू। जैसा कि आपको याद होगा कि पार्ट वन में हमने मैट्रिसेस की तीन टाइप्स को डिस्कस किया था। टाइप वन में वो मैट्रिसेस शामिल थी जो कि जस्ट एक रो पर मुश्तमिल होती हैं, ऐसी मैट्रिसेस को रो मैट्रिसेस कहा जाता है। दूसरी टाइप्स में हमने कॉलम मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। कॉलम मैट्रिसेस में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि जस्ट एक कॉलम पर मुश्तमिल होती हैं। और तीसरी टाइप में हमने जीरो मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। जीरो मैट्रिसेस में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जिनके तमाम एलिमेंट्स जीरो पर मुश्तमिल हों, ऐसी मैट्रिसेस को जीरो और नल मैट्रिसेस कहा जाता है। आज हम टाइप फोर को डिस्कस करेंगे। टाइप फोर में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि तीन रोज और दो कॉलम्स पर मुश्तमिल हों, यानी कि इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम ना हों, ऐसी मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस रिलेटेड एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मौजूद है। इस मैट्रिक्स में तीन रोज और दो कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब हम मैट्रिक्स की टाइप फाइव को देखते हैं। टाइप फाइव में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जो कि दो रोज और दो कॉलम्स पर मुश्तमिल हो, यानी इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हो, ऐसी मैट्रिसेस को स्क्वेयर मैट्रिसेस कहा जाता है। अब हम स्क्वेयर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मौजूद है। इस मैट्रिक्स में दो रोज और दो कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हैं, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को स्क्वेयर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब हम टाइप सिक्स को देखते हैं। टाइप सिक्स में वो मैट्रिसेस शामिल हैं जिनके लीडिंग डायगोनल में वन मौजूद हो, ऐसी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस कहा जाता है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।